नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। अयोध्या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विवाद, भारत के अदालती इतिहास का सबसे लंबी सुनवाई वाला केस, जिसके अंत की तारीख नजदीक है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जल्द सुनाने वाला है। उससे पहले देश में दोनों ही समुदायों के लोगों से अपील की जा रही है कि वो फैसले को लेकर किसी तरह का उन्माद ना फैलाएं। जी, अयोध्या से लेकर देश के कोने कोने में एहतियातन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि उपद्रवी तत्व अपनी किसी नापाक हरकत में कामयाब ना हो जाएं। इसी के तहत अब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। देश भर के तमाम मस्जिदों में शुक्रवार को हुई जुम्मे की नमाज के दौरान इस मसले पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुसलमानों से अपील की कि अयोध्या पर चाहे जो फैसला आए वो अमन कायम रखेंगे। मुसलमानों से कहा गया कि फैसले पर वो ना तो खुशियां मनाएं और ना ही गम और ना ही किसी तरह के प्रदर्शन में शामिल हो। अपील में ये भी कहा गया कि इसी महीने में पैगंबर मोहम्मद साहब पैदा हुए हैं, इसलिए इस महीने की पवित्रता बरकरार रखी जाए और उनकी तालीम याद रखी जाए। वो कहते हैं, अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया है कि अल्लाह जमीन पर फसाद और बिगाड़ पैदा करने वालों को हरगिज़ पसंद नहीं करता है। लखनऊ के मशहूर धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ये तकरीर जामा मस्जिद ईदगाह में नमाज के दौरान की। उन्होंने नमाजियों से कहा कि अयोध्या मसले के फैसले को लेकर मुसलमानों में तमाम तरह के अंदेशे हैं, लेकिन वो डरे नहीं। वो भी इस मुल्क में बरकरार के शाहिर हैं और फैसला आने पर एक अच्छे मुसलमान का फर्ज निभाएं। फिरंगी मैली ने मुसलमानों को इस मसले पर सोशल मीडिया से भी दूर रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या मसले से जुड़े किसी भी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर लिखने से बचें और ऐसी किसी भी पोस्ट को लाइक या शेयर ना करें, जिससे कि किसी दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचे। दरअसल सूबे में अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर खास तैयारियां जारी हैं। एहतियातन बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। प्रशासन लगातार अलग अलग मठ मंदिरों के साधु संतों से बैठक कर हर हाल में शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। इससे पहले मन की बात कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी भी इस मसले पर शांति बनाए रखने का अपील कर चुके हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे वीके न्यूज़। शुक्रिया।